हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द अनदर वीडियो। आज हम लोग बैडमिंटन और इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझेंगे। यह वीडियो कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पर है। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इस सीरीज़ को कंप्लीट करूं, तो मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करने जा रहा हूं और उन सभी को थैंक्स कहना चाहता हूं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया यह वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैडमिंटन और उसके शब्दावलियों को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैडमिंटन खेल क्या है। तो बैडमिंटन रैकेट से खेले जाने वाला एक खेल है जो एकल और युगल के रूप में आयताकार मैदान में खेला जाता है और इस आयताकार मैदान को जो है कोर्ट कहा जाता है। इस खेल में खिलाड़ी अपने रैकेट से शटल कॉक को मारते हैं और विरोधी पक्ष के कोर्ट के हिस्से में गिराकर पॉइंट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो कहता क्या है कि ये जो गेम है आपका बैडमिंटन का गेम, ये क्या है, ये कोर्ट में खेला जाता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला हिस्सा, इसे ही कोर्ट कहा जाता है। और यह हिस्सा जो है ग्रीन वाला हिस्सा, यह कोर्ट कहलाता है। इसमें एकल और युगल के रूप में खेल खेला जाता है। एकल के रूप में खेल तब कहा जाता है जब एक तरफ सिंगल खिलाड़ी और दूसरे तरफ सिंगल खिलाड़ी हो। मतलब कोर्ट में जब दो खिलाड़ी आमने सामने हो तो उसे हम लोग एकल जो है खेल कहते हैं। और यही कंडीशन अगर हो कि कोर्ट में एक तरफ दो खिलाड़ी और दूसरे तरफ अपोनेंट में भी दो खिलाड़ी हो, तो ये जो युगल जोड़ी है इसे ही हम लोग बैडमिंटन में या फिर टेनिस में युगल खेल कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि युगल और एकल क्या होता है। एकल में सिंगल खिलाड़ी एक तरफ होता है और युगल में एक तरफ दो खिलाड़ी होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये जो बैडमिंटन खेल खेला जाता है, इसमें जो टूल्स यूज़ किया जाता है, जो इक्विपमेंट हम लोग खेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है। तो ये हाथ में जो पकड़ा हुआ आप देख रहे हैं वाइट जैसा पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं शटल कॉर्क, जैसे कि हम लोग आसान भाषा में कॉर्क या फिर चीड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चीड़ी या फिर कॉर्क। इसके अलावा ये जो आप हिस्सा नीचे वाला देख रहे हैं, इसे हम लोग रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रैकेट। तो इन्हीं दो चीज़ों से बैडमिंटन को खेला जाता है, पहला कॉर्क और दूसरा ये जो है रैकेट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैडमिंटन का खेल किस तरह से खेला जाता है और किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके खेला जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ नॉर्मल सी जहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है। तो जहाँ पे बैडमिंटन को खेला जाता है, जिस एरिया में, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस एरिया को हम लोग कहते हैं कोर्ट, ठीक है। और ये जो एरिया है ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं जी, यही कोर्ट है, ठीक है। तो इस कोर्ट की जो लंबाई होती है वो 44 फीट होती है, जब और चौड़ाई जो होती है वो 20 फीट होती है। इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फीट और ब्रेथ जो होती है, चौड़ाई जो होती है वो 20 फीट होती है, 20 फीट। इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट में मिडिल में एकदम जो होता है एक नेट लगा होता है और इस नेट की ऊंचाई जो होती है ज़मीन से वो 5 फीट होती है। बस इसमें मुख्य रूप से आपको यही चीज़ जानना होता है। आगे देखते हैं हम लोग बैडमिंटन के कुछ जो महत्वपूर्ण शब्दावली जो कि आज के वीडियो का मुख्य पार्ट है। तो सबसे पहला जो शब्दावली है वो है कोर्ट। तो मैंने पहले ही बताया कोर्ट वह एरिया है जहाँ पे बैडमिंटन खेल खेला जाता है। इसके अलावा लव ऑल क्या होता है, तो ये शब्दावली आता है लव ऑल। तो लव ऑल उस कंडीशन को कहते हैं जब प्लेयर्स अपने गेम को स्टार्ट करता है। जब प्लेयर्स अपने गेम को स्टार्ट करता है तो उस समय जो दोनों पक्षों के जो पॉइंट्स होते हैं वो 0-0 होते हैं। क्या होता है, 0-0। तो इसी अवस्था को कहते हैं लव ऑल। जब दोनों प्लेयर के पॉइंट 0-0 होते हैं तो उस अवस्था को हम लोग लव ऑल कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा जो शब्दावली है वो है लव। लव किस अवस्था को कहते हैं, तो
जब मान लेते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो प्लेयर है इसने स्कोर कर लिया 0-1 और दूसरा वाला जो प्लेयर है उसने अभी स्कोर कुछ नहीं किया है, इसका स्कोर 0-0 ही है, तो इस अवस्था को जो कहते हैं 0-0 अवस्था को, यही इसी को कहते हैं लव। जब दोनों प्लेयर का 0-0 स्कोर हो तो लव ऑल कहेंगे, और जब एक प्लेयर का कुछ स्कोर हो जाए 0-1, 0-5, 0-2 कुछ भी हो जाए और दूसरा प्लेयर जो है 0-0 पॉइंट पर ही हो तो उस प्लेयर को हम लोग लव कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वर। सर्वर किसको कहते हैं? तो सबसे सर्वर जो कि सबसे पहले गेम को स्टार्ट करने से पहले जो रैकेट से अपने कॉर्क पर हिट करता है, मान लेते हैं कि सबसे गेम स्टार्ट होने के शुरुआत में इस खिलाड़ी ने कॉर्क पर अपने शटल से हिट किया, तो सबसे पहले जो कॉर्क पर हिट करता है उसे ही हम लोग सर्वर कहते हैं, और जो यह कॉर्क सबसे पहले रिसीव करता है उसी को रिसीवर कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहले हिट करता है खेल की शुरुआत में कॉर्क पर उसे सर्वर कहते हैं, और जो रिसीव करता है उसे रिसीवर कहते हैं। जब गेम स्टार्ट हो जाता है तो ये कॉर्क जो है इस पाले से इस पाले में और इस पाले से उस पाले में क्रॉस करती है, इसी अवस्था को हम लोग रैली कहते हैं। क्या कहते हैं? रैली। तो समझ में आ गया होगा रैली क्या होता है। तो यही टाइम ड्यूरेशन, ये टाइम ड्यूरेशन जब कॉर्क इस खेमे से उस खेमे में और उस खेमे से इस खेमे में पहुंचता है, इस अवस्था को रैली कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा जो है शब्दावली वो है सर्विस। ये जो कॉर्क है आपका इस पाले में गया फिर इस पाले में आया, तो एक अवस्था ऐसी आती है जब ये कॉर्क या तो इस तरफ गिर जाएगा या इस तरफ गिर जाएगा, तो जिस भी खेमे में गिरेगा, मान लेते हैं कि ये कॉर्क जो है इस खेमे में गिर जाता है, तो जिस खेमे में गिरता है और जिस समय गिरता है तो इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं सर्विस। और इसी समय जो है अपोनेंट को, मान लेते हैं इसने हिट किया और ये कॉर्क जो है गिर करके यहाँ पे आ गया और इसने ये जो है डिफेंड नहीं कर पाया, तो इसी अवस्था में जो है कुछ पॉइंट्स जो है मिल जाते हैं अपोनेंट टीम को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सर्विस क्या होता है। तो ये जो कॉर्क है, कॉर्क अगर हिट किया गया और यहाँ पर गिर गया तो यहाँ पर गिरने की अवस्था को हम लोग सर्विस कहते हैं। अब एक क्या होता है, देखिए मान लेते हैं कि सबसे पहले इसने कॉर्क को हिट किया था, और सबसे पहले जब हिट किया और ये कॉर्क पहले ही अवस्था में यहाँ पे गिर जाता है और रिसीवर जो है ये अपोनेंट टीम जो है इसे हिट नहीं कर पाता या फिर इसे दूसरे खेमे में वापस लौटा नहीं पाता है, तो इसी अवस्था को हम लोग जो कहते हैं इसी अवस्था को एक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक। ठीक है, आगे जो शब्दावली है वो है फॉल्ट। ठीक है, मान लेते हैं अब आगे कंडीशन फॉल्ट क्या होता है, मान लेते हैं इस प्लेयर ने कॉर्क को हीट किया और यह कॉर्क जो है इस खेमे में ना जा करके इस नेट से टकरा करके यहीं पे गिर जाता है, तो इसी अवस्था को हम लोग फॉल्ट कहते हैं। तो फॉल्ट मुख्य रूप से कई तरह से हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको ये बताया कि मान लेते हैं कॉर्क इसने हिट किया और यहाँ पे गिर गया तो ये फॉल्ट हुआ। इसके अलावा गेम में मान लेते हैं इसने हिट किया साइड में गिर गया तो वो भी एक फॉल्ट ही होता है। तो फॉल्ट क्या होता है कि गेम में जो है जो गेम का रूल है उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ करते हैं तो उसे फॉल्ट कहा जाता है। अगला जो शब्दावली है वो है ड्यूस। तो ड्यूस क्या होता है? ड्यूस वैसी अवस्था को कहते हैं जब दोनों प्लेयर्स जो होता है 20-20 का स्कोर कर लेता है। मान लेते हैं इस प्लेयर ने भी 20 स्कोर किया और इस प्लेयर ने भी 20 का स्कोर किया। जब दोनों प्लेयर 20-20 का स्कोर कर लेता है तो इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं ड्यूस। उम्मीद करता हूँ जो सारे वर्ड थे शब्दावली थे आपको समझ में आ गया हो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोर्ट किसे कहते हैं? जिस एरिया में ये बैडमिंटन खेला जाता है उसे कोर्ट कहते हैं। लव ऑल उस अवस्था को कहते हैं जब गेम स्टार्ट होता है और दोनों प्लेयर्स का जो पॉइंट्स होता है वो 0-0 होता है, तो उस अवस्था को लव ऑल कहते हैं। लव किसे कहते हैं? जब एक किसी एक प्लेयर का जो स्कोर है वो पॉइंट जीरो स्कोर कुछ हो जाता है, मान लेते हैं 0-5, 0-6 कुछ हो जाता है और अपोनेंट वाला जो है अपने अवस्था 0 की ही अवस्था में हो, उस अवस्था को भी हम लोग लव कहते हैं।
सर्वर किसे कहते हैं? तो जो सबसे पहले बॉल कॉर्क को हिट करता है उसे सर्वर कहते हैं। रैली किसे कहते हैं? जब कॉर्क को हिट किया जाता है और यह इस खेमे से उस खेमे में जाता है, तो इसी अवधि को हम लोग रैली कहते हैं। सर्विस किसे कहते हैं? जब कॉर्क को हिट किया गया और यहाँ पे गिर गया कहते हैं। एक्ट क्या होता है? जब पहली बार हिट किया गया और पहली ही बार में यह चुप किया हिट करने से, इस अवस्था को एक्ट कहते हैं। फॉल्ट मान लेते हैं, इसने हिट किया और नेट से टकरा करके यहीं पे गिर गया, तो इसको अवस्था को फॉल्ट कहते हैं। ड्यूस किसे कहते हैं? मान लेते हैं कि इस प्लेयर ने 20-20 का स्कोर किया, इसने भी 20 स्कोर किया, तो इसी अवस्था को हम लोग ड्यूस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारा जो पॉइंट्स था वो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग कुछ अन्य शब्दावलियों को देख लेते हैं, जैसे कि सेट पॉइंट, नेट फॉल्ट, लॉन्ग सर्विस, शॉर्ट सर्विस, स्मैश और लेट। तो सेट पॉइंट किसे कहते हैं? जब प्लेयर्स जो है, कोई भी प्लेयर्स मान लेते हैं ये प्लेयर्स है, इसका स्कोर 13 हो जाता है, जब यह अपने स्कोर 13 पे पहुंच जाता है, तो इससे यह पावर होता है कि वो जो स्कोर है दोनों प्लेयर्स का 0-0 को फिर से कर दे। तो यह जो पावर दिया जाता है 13 के स्कोर तक पहुंचने पर इस खिलाड़ी को, इसी को ही हम लोग सेट पॉइंट कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि सेट पॉइंट क्या होता है? तो किसी प्लेयर को दिया जाने वाला वो पावर जिससे कि वह पॉइंट को फिर से 0-0 के स्कोर पर पहुंचा दे। और जब यह 0-0 के स्कोर पर पहुंचता है तो जो प्लेयर सबसे पहले 5 पॉइंट प्राप्त करता है वह उस गेम को जीत लेता है। मान लेते हैं इस प्लेयर ने 13 पॉइंट पहुंचने के बाद सेट पॉइंट को सेट किया और दोनों प्लेयर्स का जो पॉइंट है वो 0-0 हो गया, और अब जो है यहाँ से इस अवस्था से 5 पॉइंट प्राप्त करना होगा। अगर ये प्लेयर्स 5 पॉइंट प्राप्त करता है तो ये जीतेगा, और अगर ये पॉइंट 5 स्कोर करता है तो ये जीत सकता है। तो इसे ही हम लोग सेट पॉइंट कहते हैं। अगला है नेट फॉल्ट। नेट फॉल्ट क्या होता है? इस प्लेयर ने अगर अपने हाथों से इस नेट को टच कर लिया या फिर इसके रैकेट ने इस नेट को टच किया, तो अगर इस नेट को टच किया जाता है किसी भी प्लेयर के द्वारा, तो इसे ही हम लोग नेट फॉल्ट कहते हैं। अगला है लॉन्ग सर्विस। लॉन्ग सर्विस क्या होता है? मान लेते हैं ये प्लेयर है, इसने कॉर्क को बहुत ही जोर से हिट किया और यह कॉर्क यहाँ से इस अवस्था में, मतलब इस वाले पाले में गिरता है, इस एरिया में कहीं भी अगर गिरता है तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग सर्विस। और अगर ये कॉर्क इस एरिया में गिरता है तो इसे हम लोग कहते हैं, इस एरिया में कहीं भी गिरेगा तो इसे हम लोग कहेंगे शॉर्ट सर्विस। तो समझ में आ गया होगा लॉन्ग सर्विस क्या होता है। तो लॉन्ग सर्विस क्या होता है? कॉर्क को हिट करने के बाद अगर इस पाले में गिरता है तो लॉन्ग सर्विस, और अगर इस सामने वाले पाले में गिरता है तो शॉर्ट सर्विस होता है। आगे जो है पॉइंट है वो है स्मैश। ये शब्दावली जो है स्मैश काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो स्मैश को समझने के लिए एक फिगर को देख लीजिए आप लोग। मान लेते हैं ये प्लेयर है और इसने जो है कॉर्क को बहुत ही जोर से हिट किया। क्या किया? बहुत ही जोरों से हिट किया। तो ये जब कॉर्क को बहुत ही तेजी से हिट करता है तो ये सीधा जो है बहुत ही जो है डायगोनली आगे की ओर ना जा करके बहुत ही तेजी से सामने की ओर गिरता है, और जिससे क्या होता है कि सामने वाला अपोनेंट जो है इस कॉर्क को जो है डिफेंड नहीं कर पाता है और इसे वापस दूसरे खेमे में नहीं भेज पाता है। तो इसी अवस्था को ही कहते हैं स्मैश। ठीक है, तो ये कॉर्क काफ़ी जोर से हिट किया गया और ये एकदम वर्टिकली देखिए यहाँ पे एकदम आगे गिर गया, तो इसी अवस्था को हम लोग स्मैश कहते हैं। ठीक है, आप लोग को स्मैश समझ में आ गया होगा। स्मैश मतलब जोरदार प्रहार करना, बैडमिंटन में जोरदार प्रहार करना जिससे कि अपोनेंट जो है संभल ना सके, इसी अवस्था को स्मैश कहते हैं। अब लेट क्या होता है? एक अपोनेंट क्या होता है कि कॉर्क को हिट करता है और दूसरा अपोनेंट खेलने के लिए तैयार ना हो, तो इस अवस्था को ही क्या करते हैं हम लोग लेट कहते हैं। मतलब व्हेन रिसीवर इज नॉट रेडी टू प्ले, रिसीवर जो है रेडी नहीं हो, प्लेयर नहीं रेडी ना हो खेलने के लिए, तो इस अवस्था को हम लोग
लेट कहते हैं। आपने क्रिकेट में भी कई बार देखा होगा कि जब बॉलर बॉल करता है तो बैट्समैन जो है पिच छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। उसी तरह से सेम सिचुएशन यहाँ बैडमिंटन में होता है कि लेट जो है उस अवस्था को कहते हैं जबकि रिसीवर जो है प्लेयर जो है खेलने के लिए तैयार ना हो। उम्मीद करता हूँ सारे जो मैंने इस वीडियो में आपको शब्दावली समझाए थे वो सारे समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो के बारे में अपनी कमेंट और राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि इससे मुझे आगे जो वीडियो बनाने में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इस तरह पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में सक्सेस होते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।